हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रभात अग्रवाल। आज हम बात करेंगे जो इस समय महामारी फैली हुई है, जो एपिडेमिक फैला हुआ है कोरोना वायरस के बारे में। इसको मेडिकल टर्म्स में कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। कोविड-19 का मतलब हुआ कोरोना वायरस डिजीज और 19 का अर्थ हुआ 2019, क्योंकि ये वायरस सबसे पहले 2019 में देखा गया था वुहान में चाइना के अंदर, वहाँ से इसका नाम कोविड-19 WHO ने रखा। ये वायरस आया कहाँ से? ये देखा गया कि चाइना के जो वुहान शहर है वहाँ पर जो सी फूड मार्केट था और जो वहाँ पर वेट एनिमल्स का मार्केट था, जो लोग खाते हैं, वहाँ से ये देखा गया ह्यूमन बींग्स के अंदर, हम लोगों के अंदर ये वायरस वहाँ से ट्रांसमिट हुआ। इस वायरस के जो अगर लक्षणों की बात करूँ, सिम्टम्स की बात करूँ, तो इस वायरस के लक्षण हर वायरल फीवर की तरह, जिसको कि फ्लू वायरस कहा जाता है, हर एक की तरह होते हैं। फीवर हो सकता है, पूरी बॉडी में दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, माइल्जिया हो सकता है, पूरी बॉडी में दर्द हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, कॉफ खांसी इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम अलोंग विद द फीवर, और प्रोडक्टिव कफ भी हो सकता है, नॉन प्रोडक्टिव कफ भी हो सकता है, सोर थ्रोट भी हो सकता है। लेकिन सोर थ्रोट ये देखा गया इस वायरस में, कोरोना वायरस में काफ़ी कम मात्रा में होता है। फीवर और खांसी, चेस्ट पेन भी हो सकता है, डिस्निया, सांस भी फूल सकती है। लेकिन इस वायरस में एक चीज़ बड़ी अनयूजुअल है कि नॉर्मल वायरस में जो स्नीजिंग होती है, छींकें आती हैं, वो इस वायरस में काफ़ी कम देखी गई। तो अगर किसी व्यक्ति को शुरुआत सोर थ्रोट या स्नीजिंग से होती है, तो ये बड़ा अनलाइकली होगा कि उस पेशेंट को या उस व्यक्ति को कोरोना वायरस से संक्रमण या इन्फेक्शन होगा। दूसरा, कोरोना वायरस कोई ऐसा नहीं है पहली बार भी आया हो। 2019 से पहले भी कोरोना वायरस की दो फैमिलीज हम लोग देख चुके हैं, जिसको कि हम सार्स के नाम से जानते हैं। सार्स मीन्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये 2002-2003 में चाइना में ही आया था, जिसकी मोर्टिलिटी कोरोना की कंपेयर में काफ़ी थी। सार्स की मोर्टिलिटी 10% थी, मतलब अगर 100 लोगों को सार्स वायरस हुआ था तो लगभग 10% लोगों की मोर्टिलिटी हुई थी या डेथ हुई थी। इसके 10 साल बाद लगभग 2012 और 2013 में मर्स वायरस कहा गया, जिसको मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उस वायरस का संक्रमित हुआ जो मिडिल ईस्ट से शुरुआत हुई थी, कैमल से शुरुआत हुई थी, उसकी मोर्टिलिटी 5-6% देखी गई थी। कोरोना वायरस की अगर मोर्टिलिटी की बात करें, डेथ की बात करें, वो इस कंपेयर में काफ़ी कम है, लगभग 3% के कम करीब है, जो कि यानी कि 100 लोगों को अगर संक्रमित होते हैं तो केवल 3 लोग की डेथ देखी गई है अभी तक। दूसरा, अगर हम बात करें कि कोरोना वायरस के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसे व्यक्ति को फौरन आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेट का मतलब होगा बाकी के असंक्रमित तो लोगों से उसको बचाना पड़ेगा, जिनको इन्फेक्शन नहीं वहाँ से आइसोलेट करना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा अलग से एक हॉस्पिटल में, जहाँ पर ज़्यादातर पेशेंट लगभग, जैसा कि बताया, मोर्टिलिटी के 3%, लगभग 95-96% पेशेंट नॉर्मली सिंपल फीवर, एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल दे के, कफ सिरप दे के, बेड रेस्ट करने से, फ्लूइड्स देने से, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करने से ठीक हो गए। 2-3% पेशेंट ऐसे थे जिनमें कॉम्प्लिकेशन देखे गए। कॉम्प्लिकेशन का मतलब उनमें सांस की प्रॉब्लम शुरू हुई, ARDS जिसे कहा जाता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हुआ, कुछ में देखा गया किडनी फेलियर के चांसेस हुए, एक्यूट लिवर फेलियर के चांसेस हुए। तो अल्टीमेटली बहुत कम पेशेंट्स हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशंस हुए या जिनकी वजह से डेथ हुई। किसी किसी पेशेंट्स को नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन या वेंटिलेटर की आवश्यकता भी आई, लेकिन वेंटिलेटर यूज करने के बावजूद भी काफ़ी पेशेंट्स ठीक हुए। अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाइना में डेथ हुई है, लगभग 3,000 से ज़्यादा, अगर मैं आज की तारीख की बात करूँ, 8 मार्च की, और उसके बाद इटली में लगभग 200 व्यक्तियों की डेथ हुई है, उसके बाद ईरान में लगभग 100 लोगों की डेथ हुई है। इंडिया में, भारत में, या हम अपने इस साउथ ईस्ट कंट्रीज़ की बात करें, अभी तक हमारे यहाँ कोई भी डेथ कोरोना वायरस से नहीं हुई है, और इंडिया में आज की तारीख में लगभग 31 लोग संक्रमित हैं, जिसमें सिर्फ आगरा में 6 लोगों को संक्रमण पाया गया, लेकिन ये सभी व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक हैं, सभी लोग सकुशल हैं, लेकिन इनको क्वारंटाइन में रखा गया है। केरला में केवल 3 पेशेंट देखे गए थे जो अब स्वस्थ होकर बिल्कुल अपने घर के लिए डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम मेडिकोज के लिए, डॉक्टर्स के लिए बात करें, कॉम्प्लिकेशन किस तरीके के होते हैं, तो इसके जो ब्लड सैंपल करे गए, लगभग ज़्यादातर मरीजों में WBC काउंट यानी ल्यूकोसाइट काउंट नॉर्मल है। कुछ ही, लगभग 8% लोग ऐसे थे जिनमें ल्यूकोसाइट काउंट या तो कम हुए या ज़्यादा हुए, जिसको कि हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वायरस में है देखी गई, लिम्फोपीनिया, यानी कि लिम्फोसाइट काउंट्स, अगर हम बात करें, ब्लड के अंदर सेल्स होती है लिम्फोसाइट, उनकी संख्या काफ़ी कम हुई, लगभग 1,000 से कम। तो लिम्फोपीनिया अगर किसी व्यक्ति में हो रहा है तो वहाँ पर कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, या संक्रमित होने के, या मोर्टिलिटी के, या कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस थोड़े से बढ़े। इसके अलावा जो किन व्यक्तियों में ज़्यादा घातक हो सकता है, कौन व्यक्ति ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, तो ये देखा गया अभी तक कि जिन व्यक्तियों की एज
50 55 साल से ऊपर है, उन व्यक्ति को कोरोना वायरस होने के चांसेस काफी, वो ज्यादा मोर प्रोन है कोरोना वायरस के रिस्क होने से या कॉम्प्लिकेशन होने से। इसके अलावा जो व्यक्ति स्मोकर्स हैं या पहले स्मोकर थे अब छोड़ चुके हैं, वो भी ज्यादा रिस्क फैक्टर पर हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति हाइपरटेंसिव है या और अदर क्रॉनिक मेडिकल इलनेस से पीड़ित हैं, उनको भी रिस्क फैक्टर ज्यादा है। मेल फीमेल के रेशियो की बात करें तो ये पाया गया कि मेल्स को फीमेल्स की तुलना में ज्यादा संक्रमित होने की चांसेस रहते हैं। बच्चे, अभी तक ये देखा गया कि बच्चों को उतना रिस्क नहीं है, बच्चे इम्यून है या उनकी सेल मीटेड इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। तो अभी तक पाया गया कोई भी बच्चे अगर जो इन्फेक्टेड हुए हैं तो अभी बच्चों की डेथ रेट बहुत कम है और लगभग सारे बच्चे इन्फेक्टेड हुए वो काफ़ी ठीक है। इसलिए घबराने की पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है, बच्चों में इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम है। तो जो एक बहुत कॉमन सा डर है कि बच्चों को स्कूल ना भेजें, तो आप बच्चों को संक्रमण से होने बचाने के लिए भीड़ वाली जगह से ना भेजें, अननेसेसरी आप जर्नी ना करें, एयरपोर्ट्स जैसी जगह, मूवीज जाना है या आपको जहाँ भीड़ भाड़ी जगह है इस तरह की पार्टी जो अवॉइड कर सकते हैं वो अवॉइड जरूर करें। दूसरा ये देखा गया कि सभी व्यक्ति मास्क लगा के घूम रहे हैं, चाहे उनका हेल्थ एक्सपोजर की हिस्ट्री है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा मास्क लगाने से आप कोरोना वायरस से नहीं बच सकते हैं। मास्क केवल उन्हीं लोगों को यूज़ करना है जो हेल्थ पर्सनल्स हैं या जिन लोगों को जो व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है या किसी और बीमारी से संक्रमित है या डायबिटिक्स हैं या हाइपरटेंसिव हैं, ओल्ड एज है, उनको बचाने से फायदा होगा। नॉर्मल पॉपुलेशन, नॉर्मल पीपल अगर मास्क लगाएंगे तो उसको इससे कोई बहुत ज़्यादा फायदा होने की नहीं देखा गया। इसके बजाय अगर हम ये यूज़ करें, बार बार हाथ धोएं, लगभग 20 सेकंड से ज़्यादा प्लेन साबुन से, किसी भी साबुन से अगर आप हाथ धोते हैं तो हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। नॉन अल्कोहलिक स्टरलाइजर या सैनिटाइजर जो हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं, पर अगर इन दोनों की तुलना करें तो साबुन से हाथ धोना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मास्क की जो यूज़ करने के साथ, मैक्सिमम लोगों को मास्क यूज़ करने का तरीका नहीं पता है। कोई भी मास्क लेके आप लगा लेते हैं, ट्रिपल लेयर मास्क या N95 मास्क जिसको कहते हैं, वो थोड़ा का कारगर होता है, लेकिन अगर आप अपने मास्क को बार बार छुएंगे बिना साबुन से हाथ धोए तो वो उतना कारगर नहीं होगा, इनइफेक्टिव हो जाता है। तो जब भी मास्क पहने, मास्क को बहुत लंबे समय तक यूज ना करें, मास्क को जब भी पहने उससे पहले अच्छे से हाथ धो के साबुन से उसका मास्क यूज करें। जो मास्क का आउटर वाला सरफेस है उसको टच ना करें, अगर मास्क को उतारना है तो उसकी इलास्टिक या जो उसकी साथ में लेस है उसको छुएं, उसी से उतारें, उसी से पहने। और मास्क को जब भी आप उतारें उसको प्रॉपर डिस्पोज करें, उसको इसी तरह डाल दें या रीयूज ना करें, जिससे आपको इन्फेक्शन होने के खतरा, अगर आप यूज करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में जाते हैं तो आपको खतरा काफी बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने ये बात करी कोरोना वायरस को लेके, थैंक यू। कोरोना वायरस से घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सेफ हैं, अननेसेसरी जर्नीज को ना करें बस, और जो मैंने बताया वो बचाव के तरीके अपनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।